नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छी हुई। दोस्तों बात करने वाले हैं आज राजस्थान पुलिस की नई वैकेंसी के ऊपर और सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसी जो कि बजट हाल फिलहाल बजट के अंदर दोस्तों इसके ऊपर बात हुई है। कितने पदों पे आएगी, नई भर्ती आएगी तो क्या, कितने पद पे आ रही कॉन्स्टेबल की, ऐसा है कि कितने पद हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा आप सभी के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है जो कि कब तक होगा इस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। नई भर्ती जो कि एसआई की वैकेंसी है उस पर भी दोस्तों बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका इंतजार हर बच्चा करता है कि बड़ी भर्ती है, बड़ी वैकेंसी है। तो लाइक कर दे वीडियो को सबसे पहले, जिससे सभी स्टूडेंट दोस्तों ये पहुँच पाए, शेयर कर दे रहे, जिसके लिए आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और अंतिम समय में आपको कांस्टेबल को कैसे, किस प्रकार से आपके सहयोग के लिए हम आपको क्या देने वाले हैं उस पर भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे बजट के अंदर के ऊपर बात चल रही, बजट चल रहा है उस पर बात हुई कि आपकी एक तो राजस्थान उप निरीक्षक की जो वैकेंसी है, यानी सब इंस्पेक्टर जिसे एसआई के नाम से जानते हैं, राजस्थान एसआई की वैकेंसी जो कि एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी होती है दोस्तों। कितने पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है, 660 के लगभग दोस्तों ये कुछ बताया गया था इसमें, 660 के लगभग इसमें आपको बजट के अंदर कुछ। लेकिन इसके अंदर दोस्तों मोटर वाहन की भर्ती भी दोस्तों इसके अंदर शामिल है, लेकिन एग्जैक्ट जो एसआई के पद है उस पर हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्ट एसआई के सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होगी ना वो कितने पद होंगे इसके अंदर, कितने पदों पे एग्जैक्ट सब इंस्पेक्टर की होगी। तो मान के चलो कि अप्रोक्स में ये मान कहूँ कि 400 से 500 पद, अब 400 से ज़्यादा ही होंगे, मैं पहले बता देता हूँ 400 से ज़्यादा पद दोस्तों इसमें होने वाले हैं, यानी 450 प्लस दोस्तों पद होंगे। अब 500 तक दोस्तों ये वैकेंसी जा सकती है इससे, क्योंकि इसमें और पद भी जुड़े हुए हैं। जो 660 के आसपास जो वैकेंसी आपको बताई जा रही है, सब इंस्पेक्टर के पद उसमें उतने नहीं है, उसमें मोटर वाहन के भी पद दोस्तों हैं, बट इसके अंदर दोस्तों 400 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा दोस्तों पद आपको एसआई के देखने को मिलेंगे, यानी 500 तक पहुंच सकती है वैकेंसी, 500 पद तक इसमें हो सकते हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे भी हो, लेकिन 450 के आसपास दोस्तों ये पद दोस्तों आपके सामने आने वाले हैं, जो कि अच्छी है। और इतने पदों पर लगभग आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है, बड़ी वैकेंसी है तो पदों की संख्या हमेशा ही आपको कुछ ऐसा स्तर हमें देखने को मिला है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेबल की वैकेंसी है ना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके बारे में, अभी जो वैकेंसी चल रही है उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उस पर बात करेंगे। अब कितने पदों पे एक नई भर्ती आएगी, आपको पता है कि आगे चुनाव है और चुनाव के चलते दोस्तों वैकेंसियों का जो अनाउंस बार बार किया जा रहा है, बहुत सी भर्तियाँ इस साल दोस्तों होने वाली हैं। तो राजस्थान पुलिस की जो नई वैकेंसी कितने पदों तक हो सकती है, देखो नई वैकेंसी की जो घोषणा हुई है इसमें 4500 पदों के ऊपर दोस्तों ये वैकेंसी होगी, 4500 पदों पर ही वैकेंसी दोस्तों होगी नई भर्ती। और कब तक इसकी विज्ञप्ति है वो कब तक जारी हो जाएगी, विज्ञप्ति कब तक जारी हो जाएगी, मान के चलो कि वो डिपेंड करता है सरकार कब तक अनाउंस करती है, लेकिन जब तक ये जो पुरानी भर्ती है, जो पुरानी भर्ती है ये नहीं होती है पुरानी भर्ती, उसके बाद दोस्तों इसका अनाउंस होगा। तो ये मान के चलो कि जुलाई के आसपास दोस्तों इस वैकेंसी का अनाउंस हो सकता है, मतलब विज्ञप्ति आ सकती है आपकी, क्योंकि अभी एक भर्ती चल रही है 4500 के आसपास, इससे ज़्यादा पद हम दोस्तों ये भर्ती नहीं आएगी, इससे ज़्यादा पद आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि एक वैकेंसी चल रही है जिसके अंदर 4000 के लगभग पद दोस्तों हैं, वो एक वैकेंसी चल रही है और इसके अंदर भी इतने पद हैं, तो कुल मिला के 10000 का कुछ रहेगा आंकड़ा, बट ये वो पुरानी भर्ती है, ये नई भर्ती है, नए फॉर्म भर सकते हैं, इसके फॉर्म दोस्तों भरे जा चुके हैं। अब बात करते हैं पुरानी भर्ती के ऊपर कि कब तक एग्जाम हो सकता है, ऐसे रिलेटेड कमेंट देखने को मिलते हैं कि जो पुरानी भर्ती उसका एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो अप्रैल मई के अंदर दोस्तों संभावित आपका एग्जाम हो सकता है कि अप्रैल में आपको कोई डेट मिल जाए या मई में, तो संभावित ये एग्जाम दोस्तों हो जाएगा आपका, कंफर्म है। यहाँ पर जो सूचना है वो अप्रैल तक की दोस्तों है कि अप्रैल में एग्जाम होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर देखो ऐसा है कि जब आपको ये तो कन्फर्म ये हो गया आपके सामने कि भाई वैकेंसी आएगी, है ना, ये तो श्योर हो गया। कई बार होता है कि किसकी तैयारी करे, कोई भर्ती है कि आएगी कि नहीं, उसका कोई अता पता नहीं होता, लेकिन जब घोषणा हो चुकी है तो आप मानते हो कि थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वैकेंसी आएगी। और जैसे आप देख सकते हो कि उपनिरीक्षक की वैकेंसी है, इसके लिए एक बड़ी तैयारी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हिंदी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हिंदी की बहुत अच्छे से ज्ञान आपको होना चाहिए, है ना। उसके अलावा दोस्तों जीके का सेक्शन भी बहुत अच्छा रहता है, पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लेनी है तो उसके लिए तकड़ी तैयारी, तो उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए। तो ये मानता हूँ कि आपके समय है, विज्ञप्ति कभी भी जारी हो लेकिन आपके पास इस समय काफ़ी समय है और आप बहुत अच्छी तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। आज से रवि से तैयारी करोगे तब जाकर दोस्तों आप क्रैक कर पाओगे इस एसआई के एग्जाम को। कांस्टेबल के बच्चे हैं, अभी एग्जाम हो रहा है उनका, बहुत अच्छे से उस पर फोकस करें और
हो सकता है कि आपका उसमें सिलेक्शन हो, नहीं होता है तो आपके सामने एक नई वैकेंसी भी होगी। तो यानी पुलिस का सपना, जो वर्दी पहनने का सपना है, वो दोस्तों आपका पूरा जरूर होगा। इसी सीरीज में दोस्तों जो पुरानी वैकेंसी आपकी, इसी सीरीज में जो पुरानी वैकेंसी है राजस्थान पुलिस की, इसके लिए दोस्तों एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज, ये जो वैकेंसी है आपकी, ये जो पुरानी वैकेंसी पुलिस की जो वैकेंसी है, इसके लिए दोस्तों जबरदस्त एक टेस्ट सीरीज है, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। टेस्ट सीरीज, ठीक है, लेके आ रहा हूँ पुलिस की, जिसके अंदर ऑल ओवर पूरे एग्जाम को देख कर बहुत अच्छे से उसको क्रिएट किया गया, जिससे कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों आपको मिले। हमारी पूरी कोशिश उसमें रही है कि इस प्रकार का स्तर, इस प्रकार के प्रश्न उसमें डाले गए हैं, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, तो वो आपके सामने दोस्तों 2-3 दिन के अंदर अनाउंस आपके सामने अपने ऐप के ऊपर आ जाएगी। तो आप ऐप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, SKNAC क्लासेस नाम से है, या लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, स्पेशली राजस्थान पुलिस के लिए दोस्तों। और आगामी भर्ती जो रहेगी अपनी पुलिस की, उसके लिए प्रिपेयरिंग, और राजस्थान SI की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए भी जबरदस्त तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट का एग्जाम है, तो उसकी टेस्ट सीरीज आ चुकी है, और वीडियो मेंस का एग्जाम होने वाला है, रिजल्ट अब हाल फिलहाल में आ जाएगा, लेकिन पहले से आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ली है, क्योंकि एट ए टाइम करते हैं तो टाइम लगता है और वो कंटेंट नहीं मिलता, लेकिन टाइम जब होता है तो बहुत एफर्ट हम लगा सकते हैं। इसी वजह से पहले मैंने टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, तो वो भी दोस्तों आ चुकी है अपने ऐप पे, यानी हाईकोर्ट LDC की, और वीडियो की टेस्ट सीरीज दोस्तों अवेलेबल है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो टेस्ट सीरीज आ रही है वो आपकी पुलिस की आएगी, किसकी आएगी, पुलिस की आने वाली है आपके सामने, ठीक है। तो ये भर्ती थी, इसके बारे में मैंने बताया। अब आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं है कितने पदों पर, मैक्सिमम मैंने कहा 450 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे सब इंस्पेक्टर के वैकेंसी में, और 4500 के आसपास राजस्थान पुलिस की एक नई वैकेंसी होगी। अब कहीं आपको भ्रमित नहीं, अभी से अगर पुलिस वर्दी पहननी है तो तैयारी अभी से शुरू कर दें, और कोई रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों करते रहिएगा, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत कुछ दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, और एक करंट अफेयर की क्लास भी दोस्तों आपके सामने जल्द लेके आ रहा हूँ। हाईकोर्ट के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो करंट अफेयर के एक मैराथन, बड़ा मैराथन, जिसके अंदर संपूर्ण करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे, जबरदस्त क्लास आपके सामने दोस्तों आ रही है, तो इंतजार करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।